प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो हमारे चैप्टर के 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल यही क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर में। एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है एनिमेशंस को लेकर, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको आज क्लियर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमेशंस को समझने से पहले हमें कैमरा की वर्किंग को समझना होगा, ठीक है, कि हमारा कैमरा किस तरह से काम करता है। जिस सिद्धांत के ऊपर हमारा कैमरा काम करता है, हमारी एनिमेशंस भी सेम उसी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एंड्रॉयड फ़ोन का कैमरा जैसे ही ऑन करते हैं तो जो फ़ोटो की जो कैप्चरिंग है वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींचने के लिए हम सीधा कैमरा का जो फोकस है सेम उसी डायरेक्शन में करते हैं, और उसके बाद हम सिंपल जो है कैप्चरिंग का बटन दबा देते हैं। जैसे हम कैप्चरिंग का बटन दबाते हैं तो इस तरह से हमारा कोई फ़ोटो जो है, जो भी होगा हमारे कैमरा के सामने, वो कैप्चर हो जाता है। यानी कि ये जो फ़ोटो की कैप्चरिंग होती है इसको बोलते हैं हम फ्रेम कैप्चरिंग। ये हमारी एक सिंगल फ्रेम बनती है, ठीक है। यानी कि फ़ोटो कैप्चरिंग के लिए बटन दबाया और सीधा हमारा फ़ोटो जो है इस तरह से एक सिंगल फ्रेम बन जाती है, जिसे हम पिक्चर बोलते हैं, जेपीजी पिक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम फ़ोटो कैप्चरिंग के बजाय वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वीडियो का जो बटन है रिकॉर्डिंग के लिए जैसे ही ऑन करते हैं तो फ्रेम ही कैप्चर होती है, लेकिन वो मल्टीपल फ्रेम कैप्चरिंग जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब फ़ोटो कैप्चर किया सिंगल, तो एक सिंगल फ्रेम बनी। जैसे ही हमने वीडियो का बटन दबाया तो मल्टीपल फ्रेम कैप्चरिंग जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो मल्टीपल फ्रेम जो है वो किस तरह से वीडियो में प्ले होती हैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अडोब फोटोशॉप में लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप हमने प्लस वन में भी किया हुआ है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एडोब फोटोशॉप में हम यहाँ पे व्यू में जाके, यहाँ पे मैंने एक एनिमेटर को ऑन कर दिया है, ठीक है, विंडो में जाके, सॉरी विंडो के अंदर है यहाँ पे एनिमेशन की ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से जो है एनिमेटर का जो पैन है वो ओपन हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कोई हमने वीडियो, हालांकि मैं यहाँ पे एक GIF पिक्चर ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओपन। मेरे पास यहाँ पे GIF पिक्चर्स हैं, कुछ एनिमेशंस हैं पहले से बनी बनाई हुई एनिमेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एनिमेशन को ही ओपन कर देता हूँ, ये पहले से है, ये तो मल्टीपल फ्रेम्स में है। जैसे मान लो ये है एक सिंपल वीडियो, मान लो ये, इसको एक GIF मान के चलते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं ओपन। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ नीचे एनिमेटर के अंदर इस तरह से होती हैं, ये देखो फ्रेम, अलग अलग फ्रेम्स हमने कैप्चर की होती हैं, ये बनाई होती हैं। ये तो एक एनिमेशन है, लेकिन बात कर रहे थे हम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सेम ऐसे ही सिंगल सिंगल फ़ोटो कैप्चर होते हैं, बहुत सारे फ़ोटो जो इस तरह से कैप्चर होते हैं, लेकिन जैसे हम प्ले का बटन दबाते हैं तो इस तरह से ये सारी की सारी फ्रेम जो हैं वो रिफ्रेश होना, इसको बोलते हैं हम फ्रेम रिफ्रेशिंग, ठीक है। एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये सारी की सारी फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिक रिपीट होती जाती हैं, और जो हमें सामने दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर वो इस तरह से होती है कुछ, ठीक है, यही दिखाई देता है हमें। बैकग्राउंड में जो चली होती है वो प्रोसेस वो इस तरह से चली होती है, फ्रेम्स रिपीट हो रही होती हैं, और सामने आंखों का ही धोखा है सिर्फ, इसको इल्यूजन बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कि रिपीट नीचे फ्रेम्स हो रही हैं और हमें एक तरह से एक वीडियो, कंटिन्यूस वीडियो नज़र आता है, हालांकि ये है क्या, फ्रेम्स रिपीटिंग ही है। तो ये सेम कैमरा के सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड है हमारी एनिमेशंस भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैमरा से हम ओरिजिनल चीज़ों को खींचते हैं जो है रियलिटी में, ठीक है, लेकिन एनिमेशंस में हम खुद इन ऑब्जेक्ट से चीज़ों को बनाते हैं। तो ये जो सामने नज़र आ रही है ये रियल नहीं है, ठीक है, ये एक एनिमेशन है, क्योंकि इसको हमने वेक्टर ग्राफिक से बनाया हुआ है, इन ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है, ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट को तरह तरह से।
और इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो समझने के लिए आपको मैं एक वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं इन एनिमेशंस को बनाने के लिए, जो हम कार्टून देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, टॉम एंड जेरी आता है या कई तरह के बने हुए हैं कार्टून जो किड्स देखते हैं, ज़्यादातर किड्स के लिए बनाए गए होते हैं बहुत सारे के सारे एनिमेशन प्रोग्राम, ठीक है। टॉम एंड जेरी है, भीम है और कई तरह की एनिमेशन मूवीज़ भी आती रहती हैं, ठीक है। तो उन सबको बनाने का जो काम होता है वो होता है एनिमेटर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब कोरल ड्रॉ जो है एक छोटा सा सिंपल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी हम बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एफर्ट करना पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक एनिमेटर सॉफ्टवेयर का लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पे आपको उनकी जो वर्किंग होती है एनिमेशंस की वो समझ आ जाएगी। हमारे सिलेबस में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो साथ में ही मैं आपको यहाँ पे एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये लिंक जो है मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर ही दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है कॉपी करके, ठीक है। तो इस लिंक को आपने प्ले करके देखना है, आपको जो इसकी जो वर्किंग है, एक्चुअल जो वर्किंग होती है एनिमेटर सॉफ्टवेयर्स की, कैसे एनिमेशंस बनती हैं, वो सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी था, कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।